गुड मॉर्निंग बॉयज। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैं बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, अब मैंने कल बताया था इंटीजर्स तक, अब उसके आगे आज मैं बताऊंगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। इस तीन के बारे में जानते हैं, अभी इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से और उसके बाद इसके पूरे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को जब जोड़ते हैं या कोई भी दो नेचुरल नंबर को जब गुणा कराते हैं तो नेचुरल नंबर होता है। मैंने एक बात और बोला था कि यह रूल डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। तो फिर अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर को या इंटीजर्स को जब माइनस करेंगे तो क्या हो सकता है, या जब डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा? जैसे 4 + 4 = 8, बट 4 - 8 = -4। अब जब डिवाइड कराएंगे -8 को जब डिवाइड कराएंगे 3 से, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे और उसे क्या नाम दिया जाएगा? जैसे अगर मुझे लिखना पड़े -8/3, तो ये तो ना ही होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है, और ये ना ही इंटीजर है, फिर ये है क्या? तो इसके लिए आप जान लीजिए कि ऐसे को बोला जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके और पी और क्यू इंटीजर्स हो। ध्यान सुनिएगा, इंटीजर्स हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं। अब एक बात अक्सर आपके मन में आता होगा कि हमेशा रेशनल नंबर में पी बाई क्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर के लिए प्री डिफाइंड टर्म है पी और क्यू। आप चाहे तो एक्स वाई भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर लिखने की बात हो तो पी बाई क्यू बोलेंगे, क्योंकि ये प्री डिफाइंड टर्म है। चलिए मैं बताता हूँ रेशनल नंबर के बारे में, आप समझेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ कि आज कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड That can be expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q is integer। इससे हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अब हमारे पास नंबर जो आना चालू हुआ, वो आना चालू हुआ 4/3, 3/8, 1/2, -4/5। ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। देखिए 4/3, 4 भी इंटीजर से, 3 भी इंटीजर से, ये रेशनल नंबर हुआ। 3/8, 3 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है, इसलिए रेशनल नंबर हुआ। ऐसे ही -4/5, -4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो रेशनल नंबर हुआ। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, 4/0, 0 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो क्या रेशनल नंबर होगा? तो इसका जवाब होगा कि रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि जिसका क्यू, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर अगर है तो वह रेशनल नंबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम जाने रेशनल नंबर के डिफिनेशन से। अब रेशनल नंबर के बारे में जो कुछ बातें हैं उसको आप लोग आराम से समझिए। मैं बताता हूं कि रेशनल नंबर में क्या क्या चीज बातें हो सकती है। जैसे इसका जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। मान लीजिए
कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है 4/7, 4/7 ये रेशनल नंबर है। इसमें कोई नंबर n और n माना कि इंटीजर हो, उससे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कोई नंबर n लेते हैं, मतलब n लेने का मतलब हुआ n को गुना कराएंगे न्यूमरेटर से भी और n को गुना कराएंगे न्यूमरेटर से, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, और जो फ्रैक्शन या जो रेशनल नंबर बन के आएगा वह इसके वैल्यू के बराबर होगा, और उसे ही हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसे ही हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर को जब हम लोग किसी भी कोई नंबर इंटीजर n से गुणा कराते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वह रेशनल नंबर कहलाएगा, और उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा और वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे समझ ले, हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि n जीरो के बराबर नहीं, n जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/7 इसको गुणा कराया 3 से तो आया 12/21। आप देखेंगे ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, लेकिन इसका फॉर्म बदला हुआ है, तो यह इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सही है, यह इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। आप दो तीन बातें और जान जाइए रेशनल नंबर के बारे में, कि कोई भी रेशनल नंबर का सम या कोई भी रेशनल नंबर का डिफरेंस या कोई भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही होता है, डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। डिवीजन में ऐसा क्यों नहीं होता है यह हम बताएंगे अगले कुछ मिनटों के बाद। फिलहाल आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर का सम, रेशनल नंबर का डिफरेंस और रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा वह रेशनल नंबर ही होगा। आप पहले बारी बारी से समझ ले, रेशनल नंबर के बारे में आपने जाना, उसका पहले डिफिनेशन जाना और एक प्रॉपर्टी जाना कि जब रेशनल नंबर को, और इन सारी बातें का जो लिख के देना है मैं आपको दे दूंगा, पहले आप मेरी बातों को आराम से समझ लीजिए और सुन लीजिए, ये आपको समझने में और अच्छा होगा। पहला बात, रेशनल नंबर को अगर कोई खास इंटीजर से गुणा कराते हैं और वह इंटीजर जीरो के बराबर में नहीं हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जो उसका रिजल्ट होगा उसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि कोई भी रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तीसरा चीज कि रेशनल नंबर को आप चाहें जैसे भी जोड़ लें या जैसे भी गुणा करा लें, उसके वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। जैसे 4/3 + 3/8, इसका रिजल्ट मान लिया कि ये आया x/y आया। अगर आप 3/8 + 4/3 भी करेंगे तो इसका भी रिजल्ट x/y ही आएगा। ऐसे ही 4/3 × 3/8, इसका रिजल्ट अगर x/y आता है तो 3/8 × 4/3 भी करेंगे तो इसका रिजल्ट x/y आएगा। मतलब रेशनल नंबर में जोड़ और गुना का ऑर्डर को चेंज करेंगे तो रिजल्ट पे अंतर नहीं आएगा। अब मैंने एक बात बोला था कि कोई भी रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर होता, लेकिन डिवीजन में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो देख लीजिए। मैं एक बात और बोल दूं कि जीरो भी रेशनल नंबर है, जीरो भी रेशनल नंबर है। कैसे? आपने डिफिनेशन में समझा कि रेशनल नंबर बोलते हैं वैसे नंबर को जो पी वाई के फॉर्म में हो और जिसका पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने मान लिया कि 0/3, आप देखिए इसको मान ली पी, इसको मान ली क्यू, सही है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्लियर, और ये जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये मैंने सही लिखा और ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा, देयरफॉर 0 इज ए रेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गया। अब बात है कि क्या रेशनल नंबर का को जब डिवाइड करेंगे हम लोग रेशनल नंबर से तो वह रेशनल नंबर और सिर्फ रेशनल नंबर क्यों नहीं आएगा,
हो सकता है कि अगर आप रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से तो उसका आंसर रेशनल नंबर आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैं वह फॉर्मूला नहीं बन सकता है। लेकिन जब आप रेशनल नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे और गुणा कराएंगे तो वो हमेशा ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा, लेकिन डिविजन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। नहीं नहीं किस केस में आएगा उसको समझ लीजिए। ये तो आप जान गए कि जीरो रेशनल नंबर है। अब आप क्या करें कि 4/3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब इसमें डिवाइड कराते हैं, 4/3 में जब डिवाइड कराएंगे जीरो से, आप देखिए यह भी रेशनल नंबर हुआ, यह भी रेशनल नंबर हुआ, लेकिन जब डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा और यह कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए रूल लागू नहीं होता है और इनफाइनाइट इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये बात समझ में आ गया। एक बात और समझ लीजिए कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। जीरो इज रेशनल नंबर बट इट हैज द नो रेसिप्रोकल। तो आपने रेशनल नंबर के बारे में जो बातें समझा मैं उसको समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 में क्या आपने समझा कि कोई नंबर p by q रेशनल नंबर है जब इसमें हम लोग कोई n नंबर से अगर गुना कराएंगे तो रेशनल नंबर ही होगा। अगर गुना कराएंगे n से तो इसका रिजल्ट रेशनल नंबर होगा और इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा और यह जो फॉर्म आएगा वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आएगा। दूसरी बात, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही होगा। डिवीजन में हो सकता है कि रेशनल नंबर हो और रेशनल नंबर ना भी हो, यह मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। यह इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। हालांकि मैंने बोर्ड पढ़ लिख दिया रेशनल नंबर, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं फ्रैक्शनल नंबर, ये आपके लिए ज्यादा समझ में आएगा और ये अक्सर लोगों को कॉमन इसमें मिस्टेक होती है, मैं आज क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले होल नंबर, सॉरी फ्रैक्शनल नंबर, इसको समझिएगा। देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी वेयर ए एंड बी इज द होल नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें कॉमन मिस्टेक अक्सर होता है, मैं आज समझा दूं आपको। मैंने क्या लिखा फ्रैक्शनल नंबर के बारे में कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी इज द होल नंबर। समझ लीजिए, अगर आपके मन में ये, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछू 4/3 क्या है, 4/3 फ्रैक्शनल नंबर है, जवाब हाँ होगा। 4/3 रेशनल नंबर है, जवाब हाँ होगा। मैं क्वेश्चन करूं कि -2/3 ये फ्रैक्शनल नंबर है, नहीं होगा। अक्सर मिस्टेक होता है यहां पे, लेकिन आप समझ लें -2/3 फ्रैक्शनल नंबर नहीं है लेकिन ये रेशनल नंबर है। अब इसकी परिभाषा सही आप देखिए, इसका जो मैंने डिफिनेशन लिखा बोर्ड पे, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी इन द एंड ए एंड बी इज द होल नंबर। तो क्या आप बताइए -2 होल नंबर है, नहीं है, इसलिए जो नंबर निगेटिव होता है वो फ्रैक्शन नहीं होता है। एक बात को आप और समझ लीजिए, मैं आपको फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर को कंपेरिजन करके बता देता हूं। देखिए दुनिया का जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है वो सबके सब रेशनल नंबर होगा। दुनिया का जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है सबके सब रेशनल नंबर होगा। जितना रेशनल नंबर है हो सकता है कि फ्रैक्शनल नंबर हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होगा। जैसे 2/3 इज द फ्रैक्शनल नंबर, देन 2/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट -3/4 इज द रेशनल नंबर, बट -3/4 इज द नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। इसलिए सारे के सारे होल नंबर इज द रेशनल नंबर, बट ऑल टू ऑल रेशनल नंबर
मे नॉट बी अ होल फ्रैक्शन नंबर। ये था कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर के बारे में। अब आया इरेशनल नंबर, इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं कि देखिए वैसा नंबर जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सके वह इरेशनल नंबर होता है। अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द सिंपल फ्रैक्शन इज द इरेशनल नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल रूट फाइव, रूट टू, द वैल्यू ऑफ पाई एंड द पाई, एक सारे के सारे इरेशनल नंबर है। लेकिन इतना बोलने से आपको बातें शायद समझ में नहीं आएगी। आप देखिए जब आप रूट टू को सॉल्व करेंगे तो आप प्राप्त क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है 1.414 और आगे या ना ही यह रिपीट करेगा और ना ही कोई पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे आप अगर 10 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.33 ये बिल्कुल बराबर आएगा, ये बराबर आएगा। तो यहाँ भी ये रिपीट कर रहा है, हालांकि यहाँ भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ रिपीट कर रहा है, इसलिए 10/3 रेशनल नंबर होगा। लेकिन रूट टू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वह ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, तो वह रेशनल नंबर है। आप सिंपल एग्जांपल समझिए, किसी भी कैसे आप बताएंगे एग्जांपल देंगे रेशनल नंबर का, देख लीजिए। जैसे 1.01001 0123, मैंने एक ऐसा नंबर लिखा जहां पे ये कंटिन्यू होगा, ना ही ये कभी टर्मिनेट करेगा और ना ही ये कोई पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए सारे के सारे इरेशनल नंबर। हालांकि आपको क्लास 6 तक क्लास 7 तक इरेशनल नंबर नहीं पढ़ना है, इसलिए आप बस इसके बारे में जानकारी लेकर रख लीजिए। और आप आपको जो बेसिक पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है, पढ़ना है फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर। अगले जो क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा रेशनल नंबर के बारे में और फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। एक बात और आप समझ लें, प्राइम नंबर के बारे में जान लें, और ये मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे इसके, कुछ बुक से क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उसका मैं टाइप बता दूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा आपको। वैसे आप प्रयास करेंगे बनाने का पूरा। प्राइम नंबर क्लास में भी काफ़ी बार डिस्कस मैं कर चुका हूँ, वैसा नंबर जिसके पास दो फैक्टर हों और सिर्फ दो फैक्टर हों, मतलब दो से कम फैक्टर भी नहीं होना चाहिए और दो से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, और एक मात्र ऐसा इवन प्राइम नंबर है दो, उसके बाद आप ढूंढ के रह जाइए, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो। लेकिन दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए आप समझ गए प्राइम नंबर के बारे में। और नंबर विच हैज द टू फैक्टर एंड ओनली टू फैक्टर, मतलब इसके पास दो फैक्टर्स हो और दो ही फैक्टर हो, वह प्राइम नंबर। तो मैं आप समराइज कर रहा हूं, आज क्लास में बताया आपको रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड द प्राइम नंबर, सबके बारे में आप समझ गए हैं। इसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और मैं जो बताया हूँ इसे मैं लिख करके भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसे आप बनाएंगे। जो बच्चे 5-6 के हैं उसे इसे समझ सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू।